आज का रात्रि क्लास है 29-8-64। ऐसे कहते हैं ना, वो जमाना जैसे स्वप्न हो गया, फिर ये आता है, क्योंकि वहां स्वप्न हो गया ना, जो पास्ट हो जाता है, जैसे सतयुग है पास्ट हो गया, जैसे स्वप्न हो गया, ये भी बाबा तो मिला था पर वो पास्ट हो गया, जैसे स्वप्न हो गया, अब फिर से सन्मुख मिला है। अच्छा, ये बच्ची कौन है? ज्ञान सागर से ज्ञान नदियों का मिला, वो पानी का सागर और नदियों का मेला नहीं है। ज्ञान सागर बेहद के बाप से बेहद के बच्चों का मेला है, क्योंकि बेहद माना बहुत हैं, ढेर हैं, तो इसीलिए कहा जाता है बेहद का बाप। बेहद बच्चों का बाप, बच्चों की हद नहीं, क्योंकि कितने हैं देखो, कोई अनगिनत है। ऐसे ही बताए देते हैं 550 करोड़, ऐसे कहते हैं ना, तो देखो बेहद के बच्चों का बेहद का बाप, और फिर बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बेहद का राज्य देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बेहद के राज्य में नंबरवार जरूर राज्य करेंगे, और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर प्रजा भी बनेगी। तो अब जैसे कि बेहद के बाप जिसको भक्ति मार्ग में खास करके याद किया जाता है, भारत को तो याद करना बहुत सहज है, क्यों? क्योंकि भारत है ही बर्थ प्लेस, जन्म का स्थान है। पतित पावन की बर्थ प्लेस है, परंतु आजकल बेचारे कोई जानते ही नहीं है। पतित पावन गाते जरूर है, गाते भी है परमपिता परमात्मा के लिए कि वही है पतित दुनिया को पावन बनाने वाला,
आती है बरोबर कलयुगी पति दुनिया को सतयुगी पावन बनाने लिए है भी परम पिता परमात्मा और उनका नाम भी गाते हैं शिव। कहती भी है मुख से कि निरह आकार है अर्थात आकार नहीं है। ज्ञानी उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं या सूक्ष्म वतन वाले जैसे निर आकार नहीं। और फिर जानती भी है कि बरोबर शिव का मंदिर या सोमनाथ का मंदिर था यादगार क्या वो सूक्ष्म वतनवासी का यादगार है या स्थूल वतनवासी का यादगार है। ऐसा तो कोई आकारी मनुष्य नहीं होता। कैसा है? अरे मंदिर में आकार कैसा है? दिखाते हैं यादगार है? लिंग आकार दिखाते हैं जरूर आए थे। किस रूप में आए थे है? नाक कान वाले में आए थे या लिंगाकार में आए थे? आकार में आए। आकार माने सूक्ष्म वतनवासी वो तो नहीं है। साकार में कहे तो साकार में तो मनुष्यों को आंख कान आदि होती है इंद्रियां और लिंग को तो इंद्रियों का कोई भी आकार नहीं है। नहीं है इंद्रियों का कोई आकार नहीं है। अरे कहते हैं ना क्या लिंग आकार तो इंद्रिय का आकार नहीं है। है तो ये तो जानते हैं ना कि वो बरोबर भारत में ही आए थे। कौन जिनके लिए गाएंगे है बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। और वो रचयिता है रचयिता तो जरूर आकर के स्वर्ग रचा होगा ना। तो देखो क्या रचा होगा है स्वर्ग रचा होगा। किस आकार में आकर के स्वर्ग रचा है? अरे
निरापद। अरे मंदिर में यादगार बताया, मंदिर में यादगार निराकार है, लिंगाकार नहीं है। है तो लिंगाकार, परंतु आकर के स्वर्ग रचा। क्या मतलब? आकार तो लिंग का है, परंतु निराकारी स्टेज में रह करके स्वर्ग रचा। स्वर्ग माना, स्वर्ग स्थिति में गया। कौन गया? शिव गया क्या? अरे वो तो है सदैव स्वयं स्थिति में। तो गया और आया क्या? कौन गया है? निराकारी गया, जिस भारत में आया वो भारत स्वर्ग कहा जाता है। तो देखो, माया के कारण बुद्धि इतनी पत्थर बुद्धि हो पड़ी है, कितनी है कि मंदिर में यादगार रखा है लिंगाकार, पूजा भी करते हैं। पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। लिंग और पवित्र, ये क्या चक्कर है? लिंग है तो लिंग लिंग का काम करेगा, पवित्र कैसे है? अपवित्रता दुखदायी होती है या पवित्रता दुखदायी होती है? अपवित्रता दुखदायी होती है, अपवित्र बुद्धि होती है तो दुखदायी बनती है। फिर 11 इंद्रियां दुखदायी हो जाती हैं, उनमें भी काम विकार सबसे जास्ती दुखदायी है। और मंदिर में जो रूप दिखाया है वो कामेंद्रिय का रूप दिखाया है, अन्य देवताओं की और इंद्रियां पूजी जाती हैं। मुख कमल कहते हैं, नेत्र कमल कहते हैं, हस्त कमल कहते हैं, परंतु शिव को लिंग ही दिखाते हैं। अर्थात वो शिव इस सृष्टि पर आकर के ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं कि जो सबसे दुखदायी इंद्रिय साबित होती है, मूल कारण रूप में भी उसको भी आकर कैसा बनाई देते हैं? है सुखदायी बनाई देते हैं। माना
सुखदाई कैसे? विकारी सृष्टि पैदा नहीं हो सकती। विकारी सृष्टि होगी तो रिजल्ट क्या होगा? दुखदाई। और अगर वो इंद्रिय निर्विकारी हो गई विकार माने क्या? विपरीत कार्य, विपरीत कर्म। भगवान ने जो कर्म सिखाए सुखदाई कर्म सिखाए या दुखदाई कर्म सिखाए? भगवान ने तो सिखाया ही है सुख देना है और सुख लेना है। इंद्रियों से क्या करना है? सुख देना है, सुख लेना है। ऐसे भी नहीं कहा कि देख आएगी सुख लेना है सुख देना है, नहीं। कायदे अनुसार सुख देना है सुख लेना है। कायदा क्या होता है? बेकायदा क्या होता है? मुरली में बताया ये तो कायदा है इस सृष्टि का, सारी सृष्टि का, चाहे सतयुगी चाहे त्रेता चाहे द्वापर चाहे कलयुगी, इस सृष्टि का कायदा है पतित होना है। परंतु एक के साथ पतित होना है ये कायदा है, अनेकों के साथ पतित होना ये बेकायदा। जब तक एक के साथ पवित्र पतित बनते रहे आत्मा नीचे गिरती रही, सोलह कला संपूर्ण से आठ कला संपूर्ण तक नीचे गिरी, परंतु क्या कायदा रहा? एक के साथ पतित बने तो सुखदाई रहे या दुखदाई रहे? सुखदाई रहे। और जब द्वैतवादी युग से दूसरा कायदा निकाल दिया, किसने? रावण आया और उसने दूसरा कायदा निकाल दिया, नहीं एक से काम नहीं चलेगा, तो बेकायदे हो गया। तो बताया कि सुख की दुनिया बनाने वाला आया था जरूर, और भारत में ही आए थे क्या? जो अज्ञानता में लगे रहते हैं भगवान के आने के बावजूद भी मन बुद्धि कर्मेंद्रियों की ताकत कहां लगी रहती है? है? अज्ञानता की दुनिया में लगी रहती है, भौतिक दुनिया में लगी रहती है या अधि आत्मिक दुनिया में लगी रहती है? अधिमानी अंदर, आत्मा के अंदर क्या क्या है ये जानकारी लेने के उपक्रम में मन बुद्धि लगी रहती है। तो कहते हैं ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाली बुद्धि भारत
भारत में ही आते हैं। दुनियावी जो धंधे धोरी हैं उनमें बुद्धि लगी रहती है, उनमें आते हैं क्या है? जिनकी बुद्धि भगवान के आने के बावजूद भी, भगवान जो दुनिया रचता है वो जानने के बावजूद भी भौतिकता के धंधों में बुद्धि लगी रहती है, उनमें आते हैं क्या? सतयुग त्रेता में प्रकृति सारे सुख मुहैया कराती है, यह मेहनत करनी पड़ती है। तो बोला भारत में ही आते हैं, स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग रचने वाले का यादगार बनाया है। सबसे जास्ती कौन सी दुनिया में सुख? तीन धाम है, एक शांति धाम, एक सुख धाम, एक दुख धाम। सबसे जास्ती सुख कहां होता है? सुख धाम में। तो देखो स्वर्ग जिसे सुखधाम कहा जाता है उस सुखधाम के रचयिता को भूल गए। इतनी पत्थर बुद्धि बन पड़ी, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं, ये बुद्धि में नहीं आता इस लिंग आकार ने क्या किया होगा, दुख दिया होगा है? दुख देने का कर्म करे और सुख की दुनिया बन जाए, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। बाप तो आते ही स्वर्ग की दुनिया रचने के लिए, सुख की दुनिया रचने के लिए, और धर्म पिताएं भी आते हैं, सुख की दुनिया रचते हैं क्या? रचते हैं? नहीं रचते हैं, नहीं रचते हैं, चाहे देव आत्माएं ही क्यों न हो, वो भी स्वर्ग की दुनिया नहीं रचती है सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। तो जो धर्म पिताएं स्वर्ग नहीं रचते हैं वो लिंग काम इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं है? दुख देने से बाज आते हैं, आते हैं, दुखदायी बनते हैं या नहीं बनते हैं? पहले जन्म से ही दुखदायी बनते हैं या जब तमो प्रदान हो जाते हैं तब दुखदायी बनते हैं? हैं? पहले जन्म से ही दुखदायी बनते हैं, जो आदि सोअंत दुखदायी बनते हैं, और बाप आदि में भी धोबी घाट था,
और आदि सो अंत में भी धोबी घाट चलता है। कोई कहता है कि हमने जिसे भगवान समझा उसने हमको दुख दिया, माया कितना भारी गॉडरेज का ताला लगाई देती है, जो इतना भी नहीं समझ सकते हैं कितना कि मंदिर में जो लिंगाकार पत्थर रखा हुआ है वो सुख का सागर है या दुख का सागर है, है? सुख का सागर है। अगर समझ लेते तो भगवान को पहचानते या नहीं पहचानते? परंतु पहचानते हैं। भगवान कब आते हैं? आते कब है? जब घोर अंधियारी महाशिवरात्रि होती है। महाशिवरात्रि माने दुनिया के लोग तो घोर अज्ञान के अंधकार में होते ही है। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मणों की नौ प्रकार के ब्राह्मणों की नौ पुरियों वाली ब्राह्मणी सृष्टि रचते हैं वो ब्राह्मण भी नहीं जानते, नहीं जान पाते कि भगवान कौन है, कौन से ब्राह्मण। ब्रह्मा के गोद में खेलने वाले वंशावली ब्राह्मण और जो अपन को मुखवंशावली कहते हैं वो क्या पहचान लेते हैं? कहें कि पहचान लेते हैं, एवरलास्टिंग पहचान लेते हैं, है? कि आज पहचानने के आधार पर निश्चय बुद्धि बनते और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते। आज संसार में महिमा करते लोगों के सामने और कल गालियां देने लग पड़ते, ग्लानी करने लग पड़ते। तो महाशिवरात्रि का जो टाइम होता है उस टाइम पर पहचानते हैं क्या? उस टाइम पर माया सबकी बुद्धि को क्या कर देती है? गॉडरेज का ताला लगा देती है। जो इतना भी नहीं समझ सकते कि रचयिता बाप ने स्वर्ग की रचना की, वो बरोबार निराकार बाप है। ऐसा बाप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप है। और यहां भारत में उनका मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? क्या? महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और किसी देश में ये महाशिवरात्रि नहीं मनाई जाती है। मनाई जाने मन हम
मान्यता देना, मानना, मना। अच्छा पार्टिकुलर भारत भी है या स्थान के रूप में ही भारत है, धरणी के रूप में है? पर्टिकुलर भारत भी तो है जिसे कहें व्यक्तिगत पर्सनालिटी। महाशिवरात्रि के टाइम पर जो यादगार मनाई जाती है तो कभी तो वो टाइम हुआ है ना जब प्रैक्टिकली आया, जन्म लिया, दिव्य जन्म लिया। कभी भी तो वो टाइम हुआ ना, हुआ होगा ना। सो महाशिवरात्रि के टाइम पर कोई ने तो माना होगा, अरे कोई ने मान्यता दी होगी या नहीं दी होगी, किसने दी होगी? भारतवासियों ने। भारत में जिनकी बुद्धि बसी रहती है वो हुए भारतवासी, और ज्ञान की रोशनी में जिसकी बुद्धि रमी रहती है वो हुआ भारत। तो सच्चम सच्च जब महाशिवरात्रि हुई थी उस टाइम पर पहले पहले कोई ने तो मान्यता दी होगी, जिसकी यादगार भारत में ही शिवरात्रि मनाई जाती है। किसी ने नहीं दी? किसने? हाँ, कोई पर्टिकुलर आत्मा है जिसने पूरा पहचाना और मान्यता दी। भारत माता भी कहा जाता है, पिता नहीं कहा जाता। मानो क्या कोई स्त्री चोलाधारी था सिर्फ जिसने मान्यता दी है? कोई पुरुष चोलाधारी नहीं था जिसने मान्यता दी हो है? भारत पिता गाया जाता है, और देश पितृ देश है, और भारत मातृ देश है। तो प्रश्न है कि जिसने मान्यता दी वो पिता के रूप में पुरुष था या स्त्री चोलाधारी था? कभी कहता स्त्री चोला, कभी कहता पुरुष चोला। प्रवृत्ति मार्ग स्त्री चोला है तो सभी पहचानेंगे कि भारत माता है, और स्त्री चोला नहीं है, चोला तो पुरुष है परंतु उसे भारत वो ही पहचानेंगे जो परम ब्रह्म को पहचानेंगे। ब्रह्मा कितने माने जाते हैं? चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, उनमें जो परम ब्रह्म है
वो भी ब्रह्मा है या नहीं है? ब्रह्मा माने क्या? बड़ी मां, स्त्री चोला हुआ या पुरुष चोला है? स्त्री चोला, पुरुष चोला, परम ब्रह्म है तो ब्रह्मा है ना। इस आधार पर कहा कि वो चोला संसार में सबसे जास्ती भाग्यवान चोला है, इसलिए कौन सा रथ कहा जाता है? भागीरथ कहा जाता है। किस आधार पर भागीरथ है? जैसे कहीं बहुत बड़ा भूकंप आ जाए और भूकंप में ढेर की ढेर बिल्डिंगें गिर जाए, उनमें ढेर के ढेर लोग मौत के घाट चले जाए, उतर जाए, और कोई एक व्यक्ति मलबा जब निकाला जाता है तो उस मलबे में सुरक्षित निकल आए तो उसे क्या कहेंगे? ये तो बहुत भाग्यशाली। तो बल चोला पुरुष का, लेकिन पांच तत्वों का जो चोला है वो प्रकृति का चोला है, प्रकृति का चोला है, पांच तत्वों का चोला है, इसलिए बोला परम ब्रह्म। मत योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम वदाम्यहम्, मेरी योनि रूपा माता परम ब्रह्म है। और ब्रह्मा भी है, क्योंकि बोला है मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, लेकिन परम ब्रह्म, परम ब्रह्म नहीं। तो भारत में उनका महाशिवरात्रि मनाई जाती है, और किसी देश में नहीं मनाई जाती। अच्छा, सारी दुनिया की, जिसमें सारी दुनिया की ये मनुष्य आत्माएं समा जाए, ऐसी माला कौन सी है? रुद्रमाला 108 की। उन 108 बीज रूप मणकों में सारी दुनिया समाई हुई है। उनमें जो भी मुख्य मुख्य देश हैं संसार के, उनके बीज रूप भी होंगे या नहीं होंगे? तो जितने भी मुख्य ये बीज हैं, उन बीजों में भारत के रूप में भी गिना जाने वाला कोई बीज होगा या नहीं होगा? उस भारत के लिए बोला कि महाशिवरात्रि की मान्यता प्रदान करने का मूल निमित्त कौन हुआ? भारत। और कोई जगह में ये शिवरात्रि या शिव जयंती नहीं मनाते हैं। जगह क्यों कहा है?
जगह माने स्थान, स्थान शब्द स्थिति को बताता है। ऐसा स्थान जहां भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, तो जड़ स्थान ही है या चैतन्य भी है? हैं? चैतन्य भी है। उन्होंने तो गीता के चित्र में अर्जुन का रथ दिखाई दिया है, जड़ दिखाई दिया है या चैतन्य? जड़ दिखाई दिया है, लेकिन है चैतन्य रथ। तो बताया, और कोई भी जगह में ये शिवरात्रि या शिव जयंती नहीं मनाते हैं। फिर ये भी इन्हों को पता नहीं पड़ता है कि गाया जाता है कि ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात होती है। क्या तो जरूर कब आते होंगे, ब्रह्मा के दिन में आते होंगे या रात में आते होंगे? जब ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात होती है तब ही आते होंगे। कौन से ब्रह्मा की है? प्रजापिता ब्रह्मा की अंधियारी रात, प्रजापिता ब्रह्मा का दिन कभी मुरली में बोला? क्या बोला? ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। माना परम ब्रह्म का दिन और रात होने की बात नहीं, प्रजापिता ने ज्ञान चंद्रमा जो ब्रह्मा प्रवेश करता है वो अधूरा दिखाया जाता है या संपूर्ण? इससे क्या साबित होता है कि ब्रह्मा की आत्मा अज्ञान अंधेरी रात्रि में, और जो अज्ञान अंधेरी रात्रि में है उसकी जब घोर अंधेरी रात्रि होती है क्या नाम होता है उसका? हर महीने होती है अमावस्या। क्या? अम्मा करके बसी, अम्मा बसी आ, अम्मा बसिया। कौन अम्मा? ब्रह्मा। अच्छा, उसी टाइम पर आकर के बसी, उससे पहले नहीं बसी होगी? बसी तो, लेकिन बीच बीच में गुलजार दादी के तले में जाती कि नहीं जाती? तो बसी या हृदय? बसी। उस समय कहां बसी? मना ब्रह्मा की आत्मा को अज्ञान अंधेरा जब छा जाता है तो माया मोह के चक्कर में चली जाती है, बच्चों के मोह में फंस जाती है, और जब ज्ञान बुद्धि में बैठता है तो आकर के बस जाती है। कहां बस जाती है? हर आत्मा का कल्याण कहां जाकर हो जाता है? हर आत्मा जब परमधाम में आकर बस जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है। तो परमधाम कितने हैं? मुरली में तो बोला है,
स्वर्ग को याद करो, घर को याद करो, मेरे को याद करो। तो एक को याद करें या तीन तीन को याद करें? तीनों एक ही है। कैसे? और शिव ज्योति बिंदु जिसमें मुकर्रर प्रवेश करता है वो उसका घर भी है और है घर अनुपरम धाम। वो घर भी है और वो स्वयं भी है। मेरे को याद करो और जिसमें भगवान शिव होगा उसमें ज्ञान की रोशनी भी सबसे जास्ती होगी या नहीं होगी? और जहां ज्ञान की रोशनी जास्ती होगी वो ज्ञान के फोर्स से दुख को भी सुख में कन्वर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? कैसी भी परिस्थिति हो, दुखदायी परिस्थिति हो, उसको भी ज्ञान के फोर्स से सुखदायी बना सकता है। तो स्वर्ग हुआ या नरक हुआ? स्वर्ग भी हुआ। तो वो ऐसी जगह है जिसके लिए कहा जाता है कि देवी देवता सनातन धर्म कभी भी लोप नहीं होता है। दूसरी बात बताई, इन भक्तों को ये भी पता नहीं पड़ता है कि ब्रह्मा की रात कौन सी और दिन कौन सा। जरूर ब्रह्मा की रात में ही आते होंगे और साधारण रात में आते होंगे। या घोर ज्ञान का अंधकार जब छा जाता है ब्रह्मा की आत्मा पर तब आते होंगे। सिक्सटी नाइन में शरीर छोड़ आता है जनवरी को, उस समय घोर अंधेरी रात कहे या झुटपुटा कहे। उनहत्तर सत्तर में ब्रह्मा की आत्मा गुलजार दादी में प्रवेश करती थी तो आवाज से बोलती थी, बाद में धीरे धीरे आवाज भी मध्यम होती गई। जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है तो वाणी तेजी से निकलती है या मध्यम पड़ती जाती है, कानों से कम सुनाई पड़ता है या पूरा सुनाई पड़ता है, आंखों से तेज रोशनी आती है कि कम आती जाती है। तो ब्रह्मा की सोल ज्यो ज्यो अज्ञान अंधकार में से गुजरती जाती है उनका बोल धीमा होता जाता है। आखरी करते करते आवाज निकलना ही बंद हो जाती है। जो श्वास की शक्ति से बोलते हैं वो भी बंद होने लगता है। जैसे कोई आदमी मरता है
तो श्वास की जो आवाज है बहुत हल्की हल्की, वो भी आना बंद हो जाती है। तो जरूर ब्रह्मा की घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि में आते होंगे, जब ब्रह्मा की सोल बहुत अज्ञान अंधकार में तामस में डूब जाती है। इसलिए कहते हैं शिवरात्रि, कैसी रात्रि, अरे घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि को शिव माने कल्याणकारी क्यों कहते, वो कल्याणकारी हुई या ब्रह्मा के लिए अकल्याणकारी हुई है, कल्याणकारी हुई, क्योंकि जब समय पक जाता है तो समय के आधार पर ही सारे कार्य होते हैं। इसलिए कहते हैं शिवरात्रि, यानी परमपिता परमात्मा शिव है, जिसकी इतनी बड़ी और बहुत अच्छी यादगार है। इतनी बड़ी का क्या मतलब, अरे द्वापर के आज से ही महाशिवरात्रि मनाते हैं ना, बहुत अच्छी यादगार है, यानी इन जैसा इनकी यादगार जितना मंदिर और कोई भी बता नहीं सकता, बना ही नहीं सकता। कौन सी यादगार, अरे सोमनाथ मंदिर के अलावा और कोई मंदिर है जिसमें हीरा जुड़ा हुआ हो लिंग में, बना नहीं बना, बल मुसलमान ने आकर के मंदिर तोड़ दिया, मूर्ति भी तोड़ी लिंग भी तोड़ दिया, उसके बाद दूसरा मंदिर तो बना ना, बना है कि नहीं बना है, उतनी अच्छी यादगार बनी है नहीं बनी। तो बोला इन जैसा इनकी यादगार जितना मंदिर और कोई भी बना नहीं, यहां इन और इनकी क्यों कहा है, बहुवचन क्यों कर दिया, एक प्रवेश करने वाला हीरा और दूसरा उस हीरे ने जिस पत्थर बुद्धि में प्रवेश किया, उन दोनों का यादगार है ना, ऐसा यादगार बना न कोई बना सकता है जिसको फिर लूटा हो। तो भी देखो कोई को पता नहीं है कि कब आया, कोई को पता है नहीं पता है, तिथि तारीख का कोई को पता नहीं, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, हां कृष्ण का बताते हैं, कृष्ण की सारी जन्म कुंडली बताएंगे, लेकिन शिव की नहीं बताते। लाखों वर्ष कोई की यादगार रह नहीं सकती है,
कल की बात है, ऐसे ही कहेंगे। जब वो भक्त लोग कहते हैं लाखों वर्ष हो गए हैं, और तुम बच्चे कहेंगे अरे लाखों वर्ष कहां, ये तो कल की बात है, मन जल्दी की बात है, 5000 वर्ष पहले की बात है। बिलायत वाले अमेरिकन्स वगैरह तो कहते हैं कि यहां भगवान और भगवतियों का राज्य था। कहां? भारत में। श्री लक्ष्मी भगवती, श्री नारायण भगवान। तो शिव बाबा की महिमा बड़ी अपरंपार है। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा, गॉड फादर। फादर को लॉर्ड शिवा नहीं कहेंगे, कई कई बच्चे होते हैं चिट्ठी में लिख देते हैं लॉर्ड शिवा नमस्ते, लॉर्ड टाइटल तो विलायत में जो लॉर्ड एंड लेडी होते हैं उनको मिलते हैं, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी। लॉर्ड क्यों कहते हैं है? लैंड माने, लैंड माने धरणी, लैंड माने जमीन, जिसे कहते हैं जमींदार, बड़ी भारी जमीन का मालिक। तो लैंड लॉर्ड ये टाइटल है, विलायत में ये टाइटल मिलते थे। परमपिता पतित पावन, उसके लिए कोई फिर लॉर्ड कहा? क्यों? उनकी महिमा का टाइटल श्री श्री, जो और कोई को नहीं मिल सकता, न कोई लैंड लॉर्ड को मिल सकता और न लैंड लेडी को मिल सकता, न लक्ष्मी नारायण को मिल सकता। डबल श्री का टाइटल लक्ष्मी नारायण, जो नरसे नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनको मिल सकता? उनको भी नहीं मिल सकता। तो फिर उनको कहा जाता है जगत पिता पतित पावन। ओम शांति।